सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वाद की वीडियो में हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवल। और पिछले एपिसोड में हमने, मुझे फिर से याद नहीं है क्या किया था पिछले एपिसोड में, बट कुछ नहीं होता। तो आज के इस एपिसोड में मैं सोच रहा हूँ हम बनाएंगे एक फार्म, क्योंकि हमें अपने इंचांटमेंट टेबल को पूरा फिल करना है बुक शेल्फ से। तो बुक शेल्फ को बनाने के लिए चाहिए होंगी बुक्स, और बुक्स बनाने के लिए चाहिए होगा लेदर। और यहाँ पर मैंने फार्म बनाया, देख सकते हो, ये मैंने ऑफलाइन में बनाया, बहुत बड़ा बनाया, ताकि मुझे कभी भी पेपर्स की कमी ना हो। और अगर आप मुझे कमेंट में बताओगे कि मुझे ऑटोमेटिक शुगर केन फार्म बनाना चाहिए या नहीं, बहुत बड़ा टेक्नोगेमर्स जैसा, जो हमें अनलिमिटेड शुगर केन्स देगा, सो मुझे कमेंट में बता देना अगर आपको चाहिए वो, तो मैं बना दूँगा। पर तब तक ये देखो कितना बड़ा बनाया। सो इससे मुझे शुगर केन मिलता ही रहता है हमेशा। और जो वो फार्म बनाने का सामान है, काउ फार्म और शीप फार्म, तो उसका सामान मेरे पास पड़ा है। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे पटैटो लगा देता हूँ, और पटैटो जो, ताकि, क्योंकि मुझे बहुत सारा पटैटो चाहिए विलेजर्स को ब्रीड करने के लिए। और मैं एक और विलेजर को लेकर चला गया था वहाँ पर, मैंने पिछले एपिसोड में दिखाई थी जो जगह जहाँ पर मेरे विलेजर्स थे, सो वहाँ पे मैं लेके जा चुका था। फिर उसके बाद मैंने उनको ब्रीड करवाया और वो ज़्यादा हो गए 2 से, तो काफ़ी सही है। और मैं सोच रहा हूँ अगले पार्ट में हम बनाएंगे एक ट्रेडिंग हॉल, विलेजर ट्रेडिंग हॉल, क्योंकि हमें ट्रेडिंग भी करनी है। मैंने अभी तक कभी नहीं की भाई ट्रेडिंग विलेजर से, बस एक बार की थी वो ऑफलाइन में, स्ट्रिंग के बदले एमराल्ड दे रहा था तो मैंने ले लिया था, फिर भी कुछ नहीं होता। चलो, और आयरन फार्म में तो वही आयरन फुल होने ही वाला है, पहले मैं इन भुक्कड़ों को ले जाता हूँ, कैसे देखती है ये जब हमारे हाथ में वीट होती है। याद तो रही है ना, ये जल्दी आओ, ये पता नहीं पीछे जाने लग जाती हैं जैसे हम आगे को देखते हैं, जल्दी आ जाओ। वही वो कहाँ घूम रही है, मैं सोच रहा हूँ गेट निकाल लेता हूँ। अरे दूसरी कहाँ है, दूसरी शीप, अरे नीचे कहाँ जा रही है, ऊपर आ। सो मैं इन 2 शीप्स को ले जाऊँगा और इन्हें ब्रीड करवा के बहुत सारी शीप्स लूँगा। और अगर आपको नहीं पता तो शायद से पॉकेट एडिशन में भी अचीवमेंट्स का नोटिफिकेशन आता है, मुझे पता नहीं था, लेकिन जब मैं ऑफलाइन में खेल रहा था तब बहुत बार आया था, शायद इस बार भी आ जाए, क्या पता कोई अचीवमेंट पूरी हो जाए। कि मुझे काऊ ढूंढनी है, एक काऊ तो यहाँ पे और एक शायद पीछे है, तो मैं पहले इसे लाता हूँ फिर उसे बुलाता हूँ, वो री। तो चलो दोनों को लेके चलते हैं, ये जल्दी आ जा। और काऊ से हमें लेदर मिलेगा जिसे हम बुक्स बना पाएंगे बहुत सारी। ओके जल्दी आ जाओ। अरे वो वैसे तो बहुत पीछे आते रहते हैं भुक्कड़ों की तरह, आज नहीं आ रहे, कुछ नहीं होता, चलो अरे जल्दी आओ। तो इन्हें मुझे सेकंड वाले में डालना होगा, इस वाले में नहीं, बड़े वाले में। और मुझे लग रहा है मेरी गेम लैग होने वाली है इस फार्म के बाद, क्योंकि बहुत सारी काउज और शीप्स हो जाएंगी तो उनकी वजह से गेम लैग होगी। सो शायद मुझे ऑप्टिफाइन लगाना पड़ेगा, ऑप्टिफाइन शायद अगले एपिसोड में आपको दिख जाए ऑप्टिफाइन लगाया हुआ। अरे दोनों एक साथ क्यों आ रहे हो। इन्हें देखकर एक फनी मोमेंट याद आ गया, पता नहीं जब मैं छोटा था ना, मैं पता नहीं दादी के गांव गया था, फिर वहाँ पे एक कमरा था, हम उसके अंदर गए थे, और हमारे कज़न भैया हुआ करते थे, उनका नाम नहीं बताऊंगा मैं, बट होते थे एक कज़न मेरे, अभी भी हैं पर वो मतलब दूर रहते हैं हमसे। तो ना वो पता नहीं आपने बनाया होगा या नहीं, हमारे गाँव में वो पता नहीं प्याज से कोई डिश बनाते हैं, वो अनियन में नमक मिर्ची डाल के, हैं तो हमने वो बनाया था। और जब हमने वो खाया तो उसमें इतनी मिर्ची थी, सारे डांस करने लग गए, वहाँ मतलब वैसा डांस नहीं, पूरा मतलब हंस हंस के, जैसे मिर्ची मिर्ची लगती है तब नहीं होता। और देखो अचीवमेंट भी मिल गई यहाँ पे। ओके सो अब मैं आगे का बताता हूँ, हैं तो हम पूरा डांस करने लग गए क्योंकि मिर्ची खाई थी इतनी, मुंह जल रहा था पूरा। तो फिर हमने
पता नहीं कोई था और भी था वहाँ, वो आया, उसने गेट ही बंद कर दिया, दरवाजा ही बंद कर दिया। फिर वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था। तो हम सारे चिल्लाने लग गए हैं, खोलो खोलो खोलो, फिर भी सारे डांस ही कर रहे थे क्योंकि मिर्ची तो लग ही रखी थी। फिर हुआ ये, जैसे ही गेट खुला हम सारे एक साथ भागे ऐसे मैं बता नहीं सकता, हम दरवाजे में अटक गए थे पता नहीं सारे एक साथ बाहर निकलने के लिए, जैसे अब ये काउज नहीं अटकी थी वैसे ही अटक गए थे पूरे। सो मैंने भी खाना खिला था। और ये मैं कारपेट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इस कारपेट के ऊपर हम चढ़ सकते हैं लेकिन कोई और नहीं चढ़ सकता, जैसे मैंने दिखाया था अभी, काऊ नहीं चढ़ पा रही थी, सिर्फ हम ही चढ़ सकते हैं, जिससे हमें अंदर बाहर जाने में आसानी होगी। सो ये सबसे बेस्ट है कारपेट, मुझे पहले पता नहीं था लेकिन अब पता है। वैसे हमारी सर्वाइवल सीरीज की वीडियो से ज़्यादा तो स्टोरी टाइम की वीडियो लग रही है मुझे, तो चलो कुछ नहीं होता फिर भी। ओके है, तो मैंने खाना खिला देता हूँ, इधर आ। ओके सो खाना खाओ जल्दी, मैं तब तक कारपेट लगा देता हूँ, और मुझे यहाँ टॉर्च भी लगानी पड़ेगी ताकि रात को कोई जॉम्बी वगैरह ना आ जाए यहाँ। और मुझे शायद यहाँ पर वो भी लानी पड़ेंगी चिकन्स, और देखो अभी अभी कितनी काउज हो जाएंगी, ये देखो कितनी सारी होगी। अगले एपिसोड में आपको बहुत सारी दिखेंगी, 100 से ज़्यादा। ठीक है, खाना खिला देता हूँ। और गाइज अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ओके सो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे सर्वाइवल सीरीज की अगली वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो प्लीज़, कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा, 5% सब्सक्राइब्ड है व्यूवर्स, ठीक है, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और हम मिलेंगे सर्वाइवल सीरीज के अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।